हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पुलिस जो फायरमैन का एग्जाम डेट कब है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा वो भी जान लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसका सिलेबस भी जान लेंगे। क्या दोस्तों जो 14 तारीख एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ है, सेम प्रोसेस उसी में देखने को मिलेगा? मतलब सेम जो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में, क्या इसमें भी पूछ सकता है? सारा कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो का पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए टोटल पोस्ट है 2380, ठीक है, मेल फीमेल का अलग अलग पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 2380। एग्जाम डेट दोस्तों हमारा पता है 6 जून को ऑफिशियल घोषणा हो चुका है कि 6 जून 2021 को एग्जाम होगा। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है दोस्तों, एग्जाम की तैयारी में आपको जान से लग जा रहा है, ठीक है। 6 जून दोस्तों 2021 को एग्जाम है। अब इसमें दोस्तों रिजल्ट देगा 5 गुना, 2380 पोस्ट है, 5 गुना कीजिएगा तो 11,900 का कर लगभग फिजिकल के लिए चयन किया जाएगा, मतलब इतना रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर पेमेंट की बात करें, कितना हमारा पेमेंट मिलेगा, बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं सर इसका सैलरी क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले पे स्केल थर्ड लेवल का यहाँ पर है, लेवल 3 का पे स्केल मिलेगा। सैलरी आपकी स्टार्ट होगी दोस्तों 21,700 रुपये से और 69,100 यानी और 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। 21,700 शुरुआती सैलरी, जैसे आप जॉब कीजिएगा तो शुरुआत में 21,000 22,000 23,000 शुरू होगा, मान के चलिए 22-23,000 शुरुआती सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आप मतलब थोड़ा सा पुराना होइएगा, आपका जो मैक्सिमम सैलरी है 69,100 तक जा सकती है, ठीक है। देखिए इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितना मांग रहा है दोस्तों, 30%। भले ही इतना लाने पर आपका चयन हो या नहीं हो, इस पर तो डिपेंड करता है, कितना लाइएगा तो आपका चयन तो होगा ही नहीं, लेकिन मांगता है इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। 30% आपका काम चलने वाला नहीं। देखिए एक बात दोस्तों, जो महिला कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, उनके लिए वजन का जो न्यूनतम सीमा है 48 kg मांग रहे हैं, यानी 48 kg से कम आपका नहीं होना चाहिए वजन। ये वजन कब दोस्तों मेजर करेगा, देखिए आप जब मेडिकल होगा आपका और जो फिजिकल होगा उस टाइम मेन यहाँ पर वजन किया जाएगा, तो उस टाइम अगर आपका वजन कम है तो उतना मेकअप कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एज दोस्तों मांग रहे हैं 1/8/2020 तक मान्य होगा, मतलब 1/8/2020 तक आपका एज पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, इतना के बीच एज आपका मान्य मांग रहा है, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों, कोई डाउट हो एज के बारे में तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, सर मेरा इतना एज है क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए जॉब प्रोफाइल में बात करते हैं दोस्तों, क्या है, देखिए जॉब प्रोफाइल बात करते हैं। देखिए जॉब प्रोफाइल मेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे सर इसमें क्या करना होगा। देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में, देखिए अधिकतम समय तक आपको ऑफिस में रहना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, फायर ब्रिगेड जैसे नामी फायरमैन सर्विस है, जब कहीं आग लगेगा तो आपको आग बुझाने जाना होगा, नहीं तो आग तो आप जानते ही हैं बहुत कम लगता है, जाड़ों के दिन में तो आग लगता ही नहीं है, मतलब एक दो स्थान पर लगता है, गर्मियों में थोड़ा सा आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको जब आग लगेगा तो जाना होगा आग बुझाने, ठीक है, यही काम होता है, नहीं तो अधिकतम समय ऑफिस में बैठना है, टाइम पास करना है, ठीक है। देखिए अब तो पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें सिलेबस होगा मैट्रिक लेवल का, ठीक है, मैट्रिक लेवल का सिलेबस होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय होगा, 100 मार्क का। इसमें निगेटिव मार्क की बात करते हैं, निगेटिव इसमें नहीं है, ठीक है। फाइनल मेरिट होगा दोस्तों फिजिकल पर बनेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो फिजिकल पर बनेगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट इसमें सिलेबस क्या है दोस्तों, कौन कौन सब्जेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, देखिए हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस हो गया, जीके, जीए, मतलब यही सिलेबस होगा मैट्रिक लेवल का। अब आप ये कहिएगा कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें तो जो सिलेबस सेम था इंटर लेवल पर था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी आईएएस लेवल के, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, मैंने रिव्यू लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्या इस बार जो ये एग्जाम होगा सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर वो भी पूछ ले जो 14 तारीख एग्जाम था वैसा सवाल पूछ ले तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना और पहले से ही तैयारी करके जानी है उसकी। देखिए उसके लिए तैयारी क्या करनी होगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीटी के बारे में बता देता हूँ, फिजिकल एपीएससी टेस्ट के बारे में। देखिए इसमें रनिंग होता है दोस्तों, ठीक है, रनिंग में 50 अंक अधिकतम होते हैं, हाई जंप से 25 अंक होते हैं और गोला फेंक में 25 अंक होते हैं। और जैसे आप 5 मिनट से कम अगर रनिंग कीजिएगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए तो 50 में 50 मार्क मिलेगा, मतलब जो सेम बिहार पुलिस का फिजिकल होता है जैसे नंबर मिलता है सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों ये सिलेबस जो अगर आपका पूछ जैसे बिहार पुलिस में पूछा गया इसमें में पूछ दिया जाए तो आप पहले से ही आपको प्रिपरेशन करना है, पहले से ही आपको तैयार होकर जाना है। देखिए उसमें करना क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर बीपीएससी लेवल का भी आपका कुछ प्रश्न पूछते हैं 10-15 प्रश्न तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले से तैयार होकर जाना है। देखिए उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक से तैयारी करनी है, ठीक है। जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है दोस्तों 14 मार्च को, उसमें लड़के बोल रहे थे कि बीपीएससी लेवल का प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, जो जनरल स्टूडेंट पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं उससे प्रश्न नहीं था, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ा है वो आसानी से क्वेश्चन कर सकता था, ठीक है, सभी क्वेश्चन का नहीं कर सकता था, लेकिन जरूर 5 से 8 क्वेश्चन का आसानी से कर सकता था, ठीक है, क्लियर है दोस्तों।
आपको स्पीडी पढ़ना है। देखिए स्पीडी दो होता है, एक जीके वाला आता है और एक साइंस वाला आता है, तो दोनों का आपको पढ़ जाना है ठीक है, उससे अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ के लिए आप पढ़ सकते हैं दोस्तों ठीक है, मैथ के लिए एस चांद का आता है, आर एस अग्रवाल का पढ़ सकते हैं, रीजनिंग तो आता नहीं है, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं कोई भी लेकर ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको डेली दो सेट करना है। देखिए प्रैक्टिस सेट आप कौन कीजिएगा, देखिए एक आता है बुक दोस्तों द प्लेटफॉर्म का ये वाला ठीक है, दो आपको करना है, एक प्लेटफॉर्म वाला ले लेना है। अभी तक दोस्तों मार्केट में प्लेटफॉर्म का स्पेशलिस्ट फायरमैन के लिए तो आया नहीं है, आपको बिहार पुलिस वाला ले लेना है ठीक है, एक बिहार पुलिस वाला ले लेना है द प्लेटफॉर्म का, उससे ही एक प्रश्न आएगा, इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसेस है ठीक है। और एक आपको दोस्तों ले लेना है कोई दूसरा स्पार्क वगैरह का ठीक है, दोनों से आपको डेली प्रैक्टिस सुबह शाम करनी है ठीक है। देखिए अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल, मतलब कितना मार्क्स लाना होगा दोस्तों फर्स्ट एग्जाम, इस एग्जाम में का फिजिकल के लिए मतलब चयन हो जाए, आपका फिजिकल में आप शामिल हो जाए। देखिए मेल फीमेल कैटेगरी वाइज आपको इतना नंबर अगर आ रहा है लाइएगा, मतलब आ नहीं रहा है अब तो एग्जाम हुआ नहीं है, इतना नंबर के बीच आपको लाने की कोशिश करना है तभी आप फिजिकल दे पाइएगा। देखिए जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट अगर हम दोस्तों बात करें तो 72 से 76 के बीच अगर आप मार्क्स लाइएगा, ये एक दोस्तों एक्सपेक्टेड है, इतना के बीच ही आपको लाना पड़ेगा ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कम बेसी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि दोस्तों एग्जाम का जो पैटर्न है, मतलब क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उसके पर डिपेंड करता है, ये तो कम बेसी हो सकता है, लेकिन हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं ठीक है। देखिए मेल का 72 से 76 के बीच अगर आपका मार्क्स आएगा तो आप सिक्योर है, मतलब फिजिकल आप दे सकते हैं, आराम से क्लियर कर दीजिएगा ये वाला एग्जाम ठीक है। फीमेल का 65 से 67 के बीच दोस्तों ठीक है, EWS का देखिए ये निकाला गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसके आधार पर ठीक है, तो आप ये श्योर हो जाइएगा कि इतना के बीच ही अगर आप लाइएगा तो सेफ स्कोर है आपका ठीक है। देखिए EWS 65 से 70 के बीच आ रहा है तो आपका सेफ है दोस्तों, सेफ हो जाइएगा। फीमेल 60 से 65 के बीच ठीक है। दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और नए लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। देखिए BC की अगर बात करें दोस्तों मेल की तो 65 से 70 हो गया दोस्तों, सेम टू सेम EWS BC सेम टू सेम जाएगा ठीक है, 60 से 65 फीमेल के जाएगा ठीक है। EBC की बात करते हैं 63 से 68 के बीच और 55 से 60 के बीच फीमेल के लिए ठीक है। SC कैंडिडेट मेल की अगर बात करें तो 55 से 60 के बीच अगर आपका मार्क्स लाने में सक्षम है, इतना का आपके बीच तैयारी आप सेट मारिएगा तो इतना के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप श्योर हो जाइए आपका जॉब हो जाएगा ठीक है। फीमेल का 45 से 48 के बीच ठीक है दोस्तों। देखिए ST अगर बात करें दोस्तों ST के कितना मार्क्स लाना होगा, जो ST कैंडिडेट है ठीक है 60 से 64 के बीच लाना होगा ठीक है। अगर आप बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आप कमेंट बताइएगा कि हमारा इतना नंबर आ रहा है ठीक है। और ST फीमेल का कोई सीट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। BC फीमेल जो 3% रिजर्वेशन होता है उनके लिए देखिए 55 से 60 के बीच मार्क्स लाना होगा ठीक है। तो यही आपको बताना था, हमने पहले ही एक वीडियो बनाया था लेकिन इसमें मैंने आपको जानकारी देनी थी दोस्तों एग्जाम के बारे में, डेट के बारे में ठीक है, उसके अलावा सैलरी वगैरह के बारे में क्या मिलेगा सैलरी ठीक है, और 80-48 के जो वजन होना चाहिए महिलाओं का क्या क्या दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। देखिए इसमें जो बिहार पुलिस का 14 तारीख एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा सा हम सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि हमें कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, मतलब हर बुक से पढ़ाई करनी ही करनी है ठीक है। देखिए NCERT से बुक से पढ़ाई करनी है, स्पीडी पढ़ना है, प्रैक्टिस है डेली तो करना ही दोस्तों ठीक है। और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है दोस्तों, देखिए गुजारिश उनसे नहीं है, देखिए जो CSBC बोर्ड करवाएगा उनसे ये गुजारिश है, उससे मैं क्या गुजारिश कर सकता हूँ ठीक है। जो CSBC बोर्ड है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए इस बार जैसे बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हो गया है, आंसर की पहले ही वायरल हो जाता है ठीक है, ना आंसर की जारी किया जाता है, ना कट ऑफ मार्क कितना पर जारी होता है कुछ नहीं बताता है, मतलब पारदर्शिता के शून्य कमी है, मतलब कमी ही कमी है, 0 = सन्नाटा कहावत है बोले तो वो है ठीक है। तो बोर्ड से यही हमारी मांग है कि आंसर की जारी किया जाए ठीक है, जिससे स्टूडेंट को पता चले कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ जारी किया जाए, जो धांधली होता है टीचर सहयोग करते हैं सब पर रोक लगाई जाए, मतलब पूर्ण रूप से साफ क्लियर एक एग्जाम लिया जाए जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है ऐसे लिया जाए, हो सके तो इसका एग्जाम ऑनलाइन करा दिया जाए ठीक है, उससे थोड़ा सा दोस्तों पारदर्शिता आता है, बस यही बताना था आपको ठीक है। वीडियो को दोस्तों आप बहुत जो लोग देख रहे हैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के पास ये हमारी वीडियो के माध्यम से आवाज़ जाए ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा दोस्तों ख्याल रखिएगा, वीडियो बस इतना ही रखते हैं, नए लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।